महाराज जी अचानक मेरे आश्रम में आते हैं, आकर के स्पेशल ध्यान दीजिए स्पेशल, हमने प्रार्थना की महाराज जी से आश्रम में पधारें, बोले विचार करेंगे। मैंने कहा अच्छा, ठीक 2 घंटे बाद जय का फोन आया, हम आश्रम में आ रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, 2 घंटे बाद महाराज जी ने दर्शन दिए, उस बालक पर हाथ रखा। हम नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि जय भविष्य की बात को जानते थे, इसलिए उस बालक को स्पेशल विजय माला पहनाई, आशीर्वाद दिया चिरंजीव हो। हमने कहा महाराज आपकी कृपा है, आप विश्वास करें, महाराज जी तो 16-17 गए, वो बालक वृंदावन चला गया, वृंदावन से लौट के आ रहा है। एकादशी का दिन 25 तारीख को सितंबर की को ठीक सुबह 4:15 बजे पलवल के पास उस बालक का एक्सीडेंट हो गया। मैंने देखा है जी जय का चमत्कार, मैं उस बालक को आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया हूं। 1 मिनट के लिए गोपाल जी यहां खड़े हो जाएं, जल्दी। अभी महाराज जी सलीमाबाद पीठ पर इस पे हाथ रख के पूछ रहे थे, बेटा कहां लगी है, घाव कहां हुआ है। मैं कह नहीं सकता, ये बालक आज महाराज जी की देन है, ये इनकी कृपा है, ये साक्षात यहां बैठा है। इसलिए एक बात कहता हूं कि जय के चरणों में समर्पण कर दो अपने को। मैंने बहुत से चमत्कार देखे हैं, लेकिन मैंने इसको अभी ये तुरंत 2 महीने पहली बात है, मैं फिर जय के चरणों में कुछ कहने लायक नहीं हूं।